उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लाइन में लग करके इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी बारी आए और वो मतदान कर सकें। इस समय हम हल्द्वानी के एक पिंक बूथ पर मौजूद हैं। इस पिंक बूथ को इसलिए पिंक बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित किया जा सके। पूरी तरीके से पिंक सजावट की गई है गेट की। इधर थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, ये गुब्बारों से सजाया गया है, सुंदर सुंदर गुब्बारों से इसको सजाया गया है। और यहाँ जो महिलाएं पहुंची हुई हैं, आप वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको पूरा का पूरा, ये एक नया प्रयोग है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पर वोट करने के लिए आप पहुंची हुई? जो भी है आज के जो वर्तमान में जो भी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, जनसंख्या मेन मुद्दा हमारे हिसाब से होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में कंट्रोल, जनसंख्या में कंट्रोल, जनसंख्या में। ये मैडम, आप भी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँची हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है आपके दिमाग में जिस पर आप वोट करने के? सबसे बड़ा तो महंगाई है, अभी आपके बजट को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल। ये अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं, यहाँ कुछ जो और लोग खड़े हैं। सर आप आए हैं, जाहिर तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का मेरे को लग रहा है आपका चेहरा देख करके बहुत ही सख्त आप पालन कर रहे हैं, तो ऐसे में जी सर आपके सामने क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? एक सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस दैट इज ऑल। ये एक नया मामला आया जिस तरीके की बातें चुनाव से पहले उठी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ है देश का, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। सर आप भी वोट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, किन मुद्दों को सोच करके आप बता रहे हैं? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसके वजह से पलायन हो रहा है, जिसका मैं खुद शिकार हूँ। तो मेरे ख्याल से वो विकास और रोजगार आज भी 20 साल बाद भी उत्तराखंड देखना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड को बने हुए तकरीबन 21 साल हो गए हैं, लेकिन जो लोग हैं गांव घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, कस्बों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार की समस्या है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ जाने को मजबूर हैं। सर आप क्या सोच करके मतदान करने आए हैं? मतदान तो देखिए ऐसा है कि हमेशा विकास के लिए मतदान किया जाता है, और विकास वही पार्टी जो विकास में सहयोग करे, विकास को ध्यान पर रखते हुए काम करे, उसी को वोट देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम अपना वोट डालने के लिए आए हैं, और इसी तरीके से पहले से भी पुराने सालों में भी हम इसी तरीके से वोट करते आए हैं। ठीक सर, आप युवा लग रहे हैं, आप किस मुद्दे पर? मैं सर स्वास्थ्य और जो शिक्षा है, ये मेरा मानना है कि ये फ्री होना चाहिए बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बुनियादी मुद्दा है। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर संविधान में आपको कोई अधिकार दिए हैं, तो फिर ये माना जाता है कि संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा तो कम से कम इंक्लूड होना चाहिए, अगर आपको संविधान ये कहता है। सर आप किस मुद्दे पर वोट करने के लिए यहाँ पर? मैं तो भारत, मजबूत भारत के लिए वोट करने आया हूँ, बस। अच्छा, मजबूत भारत, मजबूत भारत हो हर पक्ष में, चाहे शिक्षा हो, विकास हो, पढ़ाई हो, अंतर्राष्ट्रीय उसका सम्मान हो, बस, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। न्यूज़ 18 डिजिटल आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को सोच करके लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस तरफ मैं एक और तस्वीर आपको दिखा दूं, ये है प्रसूता विश्राम गृह, यानी जो महिलाएं इस पिंक बूथ पर मतदान के लिए पहुंचेंगी उनके लिए स्पेशल कमरा बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर पहुँचें तो उन्हें इंतज़ार अगर करना पड़े तो इस कमरे में बैठ सकें और मतदान कर सकें। तो चुनाव आयोग की तरफ से तो अपनी पूरी कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को यहाँ तक लाया जा सके, पोलिंग स्टेशंस तक लाया जा सके। अगर आप भी अपने घर में बैठे हुए न्यूज़ 18 डिजिटल का इस सेगमेंट देख रहे हैं तो आप तुरंत निकलिए, मतदान करिए और अपनी पसंद की सरकार चुनिए।